नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनडीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल, जो आपके लिए लेकर आती है कुछ खास इन्फॉर्मेशन और चटपटी स्टोरियां। तो दोस्तों, आज की हमारी चटपटी स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी बॉलीवुड के अवार्ड शो के बारे में। पहले के समय में अवार्ड शो थोड़े बोरिंग हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में अवार्ड शो का चेहरा अंदर से बिल्कुल बदल गया है, जिसमें डांस है, एंटरटेनमेंट है, मस्ती है, कॉमेडी है। तो दोस्तों, आपको इसमें एक खास बात हम बताने वाले हैं, अवार्ड शो में जो सुपरस्टार्स हैं वो डांस करने का कितना चार्ज लेते हैं, वो हम आपको बताएंगे। तो हमारी स्टोरी को लाइक तो कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक करिए और देखिए ये स्टोरी। आज हम आपको बॉलीवुड के उन स्टार्स के बारे में बताएंगे जो एक अवार्ड शो में नाचने के लिए कितने करोड़ों रुपए लेते हैं। ऋतिक रोशन बॉलीवुड के बेस्ट डांसर में से एक हैं। यही वजह है कि वो एक अवार्ड शो में परफॉर्म करने के 3.5 करोड़ रुपए लेते हैं। बात करें बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की, तो दीपिका अपने लुक्स और शानदार एक्टिंग और अच्छी डांसिंग के लिए जानी जाती हैं। दीपिका स्टेज पर महज 4 मिनट के लिए 1.5 करोड़ रुपए चार्ज करती हैं। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह अपनी एनर्जेटिक परफॉर्मेंस से स्टेज पर आग लगा देती हैं। वो स्टेज पर एक परफॉर्मेंस के 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो आखिर में बात करेंगे बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की। सलमान खान स्टेज पर बहुत ही एंटरटेनिंग पर्सन साबित होते हैं। सलमान स्टेज पर एक परफॉर्मेंस के 5 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। तो देखा दोस्तों आपने, कैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार यानी कि ऋतिक रोशन, सलमान खान, दीपिका पादुकोण और भी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज 2-4 मिनट का करोड़ों रुपए कमा रहे हैं दोस्तों। और ये करोड़ों रुपए कमाने के बारे में आपको बता कौन रहा है, हम, यानी कि आपको। और भी ऐसी स्टोरीज जानने के लिए हमारे चैनल को करना पड़ेगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और स्टोरी को देखने के बाद आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो कमेंट भी कीजिए, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब। You sound good.